الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديار العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم ومن بهول الشهوات إلى جنات القربات آمين يا رب العالمين إن شاء الله تعالى آج هم الله تعالى کا مبارک نام السلام उस पर कुछ बात करेंगे। कुरान में अस्सलाम नाम सिर्फ एक ही दफ़ा आता है। सूरतुल हशर में अल्लाह ताला फरमाता है अल-कुद्दूसुस्सलाम, अल्लाह ताला के जो नाम आते हैं सूरह हशर के आखिर में उसमें अस्सलाम नाम आता है। और हदीस में भी हमको ये नाम मिलता है। सहाबा फरमाते हैं कुन्ना इदा सल्लैना मअन नबी, हम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे कुलना तो हम कहते थे अस्सलामु अलल्लाह, अल्लाह पर सलाम, कबल इबादही, यानी इससे पहले कि उसके इबाद पर बंदों पर सलाम भेजें। वस्सलामु अला इबादही हम कहते हैं ना इबादिल्लाह सालिहीन, उससे पहले वो कहते थे क्या अस्सलाम अलल्लाह, और कहते थे अस्सलाम अला जिब्रील, जिब्रील पर सलाम, अस्सलाम अला मीकाईल, मीकाईल पर सलाम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को ये कहते हुए सुना तो एक दिन क्या किया, फलम सरफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबला अलैना बेवजही, सलाम करने यानी कि जब हम सलाम कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ किया। फ़क़ाल फिर आपने फरमाया ला तकुलु अस्सलाम अलल्लाह, ये मत कहा करो अल्लाह ताला तुझ पर सलाम। क्यों? फरमाया फ़इन्नल्लाहा हुवा सलाम, अल्लाह तो खुद ही सलाम है। तो अस्सलाम ये नाम हमें हदीस में मिलता है। सही मुस्लिम में आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से सलाम फिरते तो फरमाते अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, अल्लाह तो अस्सलाम है, ये नाम आ गया। देखें फिर दोबारा हदीस में व मिनका सलाम, और तेरी ही तरफ से सलामती नाजिल होती है। तबारक तयादल जलाली वल इकराम, बड़ा बाबरकत है तू ए अस्सलाम, तू बड़ी बड़ा जलाल वाला और करम वाला है। अबू हुरैरा से तबरानी में हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना इस्मुस्सलामी मिन अस्माइल्लाहि तआला, कि अस्सलाम ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। फअफशूहू बैनकुम,
अफशो, हम कहते ना राज अफशा कर दिया, यानी कि फैला दिया, जाहिर कर दिया। तो इस अल्लाह के नाम को, अस्सलाम को अपने दरमियान खूब खूब तुम फैलाओ। एक और हदीस में आता है, इन्ना सलामा इस्मु मिन अस्मा अल्लाह ताला वदाउल्लाहु फिल अर्द फअफशिस सलामा बैनकुम, कि अस्सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है जो अल्लाह ताला ने जमीन पर रख दिया है, यानी जमीन वालों को अल्लाह ताला ने अस्सलाम नाम सिखा दिया है। तो क्या करो तुम कि अल्लाह ताला ने ये नाम सिखा दिया, जमीन पर इसको रख दिया, फअफशिस सलामा बैनकुम, तो आपस में सलाम को रिवाज दो, खूब खूब सलाम को फैलाओ। तो एक तो अस्सलाम वालेकुम हम जब कहते हैं, मतलब ये होता है कि आपके लिए सलामती, मेरी तरफ से सलामती। एक मतलब ये भी होता है कि अल्लाह अस्सलाम आपका साथी हो, आपका मददगार हो। तो ये एक बिल्कुल नया और अनोखा मतलब है जो पहले हमारे इल्म में नहीं था। अस्सलाम ये मस्दर है, उलमा कहते हैं कि अस्सलाम का मतलब है जुस सलामा, अल्लाह सलामती वाला है। अल्लाह की अपनी ज़ात ऐबों से, आफतों से, हर किस्म के नुकसानात से महफूज है। अल्लाह ताला को फना नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ बीमारी नहीं है। तो मखलूकात पर जो आफतें आती हैं, जो मसाइब नाजिल होते हैं और जिन कमज़ोरियों का मखलूक शिकार होती है, अल्लाह ताला उनसे महफूज है, अस्सलाम है, वो सलामत है, उस पर वो कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं आती जो कि इंसानों पर आती है। हत्ता कि आप देखें, अगर आपको याद हो, हमने अर्रहमान जब नाम डिस्कस किया था, अर्रहमान अर्रहीम, तो आपको याद होगा कि हमने इंसानों की और अल्लाह की रहमत को डिस्कस किया था। हम जब किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो हमारा रहम का जज्बा भड़कता है, इससे पहले कि हम किसी पर रहम खाएं, होता क्या, हमें तकलीफ़ महसूस हो रही होती, उसकी तकलीफ़, उसको एम्पथी हम कहते हैं, हमदर्दी जिसको कहते हैं, हमदर्दी हम कहते हैं, हाय बेचारा हमें उस रात भर नींद नहीं आई, उसकी तकलीफ़ का एहसास मुझको तकलीफ़ देता रहा। और जब हम किसी की तकलीफ़ दूर करते हैं तो उसकी तकलीफ़ तो कर ही रहे होते हैं दूर, हम अपने आप को भी सुकून पहुँचा रहे होते हैं, हम अपनी अज़ियत को भी दूर कर रहे होते हैं। ये इंसानों के रहम का मामला है। अल्लाह ताला जब रहम फरमाता है, अल्लाह ताला को तकलीफ़ नहीं होती, अल्लाह को अज़ियत नहीं होती। तो अल्लाह ताला हर किस्म, हमारी तो खूबी के अंदर भी कोई ना कोई खामी रखी हुई है, और अल्लाह ताला की हर खूबी कम्प्लीट है, मुकम्मल है, अस्सलाम है। और अल्लाह ताला ना सिर्फ ख़ुद अस्सलाम है, आफतों से ऐबों से महफूज है, बल्कि सलामती अता करने वाला है। तो अपनी ज़ात से वो अस्सलाम, ये सिफत ज़ाती है उसकी, और दूसरों को सलामती देने वाला ये सिफत फ़ेली है उसकी। ये हमारे रब का मामला है। अच्छा, अब जब हम सलाम की बात करते हैं तो ये हमारा तहिया भी है, सोशल ग्रीटिंग्स है, अस्सलाम अलैकुम, हम एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं। फिर साथ ही अस्सलाम कौन है कि मोमिनों को अल्लाह ताला अपने अजाब से सलामत रखेगा। याद रखें, अल्लाह ताला मोमिन को कभी भी अजाब नहीं देता, ना दुनिया में और ना आखिरत में। जो अस्सलाम पर ईमान लाएगा वो सलामत रहेगा। और एक और इसका मतलब ये है कि अस्सलाम है, यानी अल्लाह ताला ने सलामती का मामला किया हुआ है, और शर का वजूद एज सच नहीं है। देखें, एक शर होता है ईविल, प्योर ईविल, ईविल फॉर द सेक ऑफ ईविल, ठीक है, तो इसको कहते हैं शर मुतलक, एब्सोल्यूट ईविल, ईविल फॉर द सेक ऑफ ईविल। अस्सलाम की बनाई हुई कायनात में एब्सोल्यूट ईविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शर मुतलक का कोई वजूद नहीं है। हाँ, क्या शर निस्बी है, यानी निस्बत के हिसाब से अगर हम उसे कंटेक्सचुलाइज करें तो क्या होता है? जी हाँ, वो होता है। तो ज़रा अस्सलाम अगर अल्लाह का नाम है और अल्लाह ताला सलामती ही सलामती रखता है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सवाल पैदा होगा कि फिर शर क्यों है दुनिया के अंदर, जुल्म क्यों है दुनिया के अंदर। तो अब ज़रा हम अस्सलाम को समझने के लिए शर की हकीकत को भी समझते हैं। तो बात यह है कि शर की दो इकसाम तो आपके सामने रखी, इसको और आसान अल्फाज में अगर हम बयान करें तो एक है नफामंद शर और एक है नुकसानदेह शर। यानी शर मुतलक तो है ही नहीं, एब्सोल्यूट ईविल तो है ही नहीं दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला सिर्फ अपने नफ्स के प्लेजर के लिए किसी को अजियत नहीं देता। बाज़ाफ़ा इंसान होते हैं अपनी तस्कीन के लिए तंज करते हैं, अपनी तस्कीन के लिए ताना देते हैं, सैडिस कस्म के लोग होते हैं, दूसरों को टॉर्चर करके उनको खुशी महसूस हो रही होती है। नाउज़ुबिल्ला, हमारे रब का ये मामला नहीं है, ये तो मुशरिकीन के जो खुदा बने हुए थे ये उनका मामला था। उनका ख्याल था कि जो दुनिया है ये हमारे माबूदों के लिए एक प्लेग्राउंड है, जैसे ड्रामे होते हैं, किसी को रुलाकर माबूद एंटरटेन होते हैं, खुश होते हैं,
किसी को हंसा के वो एंटरटेन होते हैं, खुश होते हैं। हमारे रब की ये शान नहीं है। अस्सलाम ऐसा नहीं है कि लोगों को रुला के वो नाउज़ु बिल्लाह कोई अपने नफ्स की तस्कीन करना चाहता हो। तो अब शर नस्बी है, यानी कि कंडीशनल शर है, कंटेक्सचुअल शर है, मशरूत कस्म का शर है। वो तो है दुनिया में, उसको तो इनकार कर ही नहीं सकते। तो वो दो तरह का है जो अभी आपको बताया, एक नफा मंद शर है और एक नुकसानदेह शर है। तो अब मुस्लिम का मामला हम देखते हैं, मुस्लिम को, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम को अस्सलाम की तरफ से अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसमें उसका नफा ही नफा है। जैसे कि एक सर्जन किसी की सर्जरी करता है, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है, क्या पता उसका कोई वो ऑर्गन काट देता हो, उसका मिसाल के तौर पे उसने कोई लंग का टुकड़ा निकाल दिया या कोलोन का कोई हिस्सा निकाल दिया, कोई आंतें उसने काट दी। कैंसर में जैसे होता है, जो कैंसरस हिस्सा होता है उसको निकाल दिया जाता है, बाज दफ़ा गैंग्रीन हो जाता है तो टांग काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है जिंदगी बचाने के लिए, या जैसे कि बच्चों को टीके लगवाए जाते हैं, इनोकुलेट कराया जाता है। उसके बाद जब किसी की सर्जरी वगैरह हो जाए या टीका उसको लग जाए, उसके बाद उसका क्या मामला होता है डॉक्टर के साथ? वो थैंक यू कह रहा होता है डॉक्टर को, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो ये है दरअसल अस्सलाम का मुस्लिम के साथ मामला, कि जो तकलीफ उसको पहुंचती है, जो अजियत उसको पहुंचती है, जो परेशानी उसको छूती है, उसमें खैर ही खैर होता है। और दो जगह अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि असा अंतक रहो शैअन, हो सकता है तुम्हें कोई बात बुरी लगे, व यजअलल्लाहु फीही खैरन कथीरा, और अल्लाह ताला ने उसमें ढेर खैर रख दिया हो। तो याद रखें, हम सब के साथ अजियतें, तकलीफें, परेशानियां लगी हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। इम्तिहान गाह में बैठना और कहना इम्तिहान क्यों आ गया, ये तो अजीबो गरीब बात है। तो ये तो होगा। और फिर एक और जगह अल्लाह ने फरमाया असा अंतुहिब्बु शैआ, हो सकता है तुम्हें किसी चीज से मोहब्बत हो, वह हुआ शर्रुल्लकुम, और वो बुरी हो तुम्हारे लिए, वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही बात फरमाया करते थे, सही मुस्लिम में ये आपका कौल मौजूद है कि अल खैरु कुल्लुहु फी यदीक यदईक, कि अल्लाह कुल खैर तेरे हाथ में है, व शर्रु लैसा इलैक, और अल्लाह शर की नस्बत है तो हम तेरी तरफ नहीं करते। तो अल्लाह के साथ अदब का तकाजा है, अस्सलाम है वो, कि शर की नस्बत कभी अल्लाह की तरफ ना की जाए, कि पता नहीं अल्लाह को क्या पड़ी थी, अल्लाह ने ये मुसीबत डाल दी, पता नहीं अल्लाह ताला क्या चाहता है, पता नहीं अल्लाह को मुझसे क्या दुश्मनी हो गई है। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मुस्लिम को तो ये बातें जेब ही नहीं देती। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो कि मुस्लिम थे, जिन्होंने मुस्लिम होने की दुआ की थी, रब्बना जअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, कि अल्लाह मुझको और मेरे बेटे को अपना फर्माबरदार मुस्लिम बना दे, और हमारी ज़ुर्रियत में से पूरी उम्मत उठा जो तेरी मुस्लिम और तेरी फर्माबरदार हो। तो मुस्लिम का तरीक़ा क्या होता है? बड़ी तवील दुआ आती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरत अस्साफ़ात में, और एक मकाम पर वो कहते हैं वज़ा मरतु फ़हुवा यशफ़ीनी, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझको शिफा देता है। तो बीमारी की नस्बत किसकी तरफ की? अपनी तरफ। और शिफा की नस्बत किसकी तरफ की? अल्लाह की तरफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के हर मामले में खैर है, मुश्किल पड़ती है सब्र करता है और रब से अजर पाता है, नेमत मिलती है शुक्र करता है और रब से अजर पाता है, अल्लाह मुझको और आपको साबिर शाकिर बना दे। तो अस्सलाम की तरफ से आए हुए कज़ा और कदर के फैसले मुस्लिम के लिए खैर ही खैर लेकर आते हैं, और जो मुश्किलें होती हैं, परेशानियां हैं, वो खुफिया नेमत होती हैं। अल्लाह ताला छुपा के कोई नेमत दे रहा होता है अस्सलाम अपने बंदों को, और अस्सलाम पर ईमान रखने वाले पहचान लेते हैं। मिसाल के तौर पे सूरह कहफ हम पढ़ते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा वहाँ हमने पढ़ा, तीन वाक़यात आए, और उसमें फिर जब आखिर में उन्होंने हिकमतें उसकी बयान की, तो क्या क्या हिकमतें बयान की चलें ज़रा सा याद कर लेते हैं वो क्या वाक़यात थे। एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, और औलाद का मर जाना इमेजिन करें कितनी बड़ी क्लैमिटी है। लेकिन क्या बताया फिर खिजर ने मूसा अलैहिस्सलाम को, कि ये बच्चा बड़े होके शर का सबब बनता और वालदैन इसके मोमिन है मुस्लिम है, अल्लाह ने चाहा कि बेहतरीन नेमुल बदल अता करे। तो अल्लाह जब कुछ लेता है उससे बेहतर देना चाहता है हमको, यकीन रखें इस बात के ऊपर ताकि हम पुरसकून हो जाएं ज़हनी तौर पर। फिर क्या था, कश्ती में सुराख कर दिया था, आपको याद है,
इसी तरह एक दीवार बना दी थी, हालांकि वो बस्ती वाले ना खाना दे रहे थे ना मेज़बानी कर रहे थे। ये सारे काम और उसके सारी जो हिकमतें बताई गईं, तो पता चला कि ये सब मुस्लिम बंदों के साथ अल्लाह का खैर का मामला था। किश्ती में सुराख करना कितना बड़ा खैर था, छोटे नुकसान से अल्लाह ताला ने फिर बड़े नुकसान से बचा लिया, छोटा नुकसान पहुंचा, बड़े नुकसान से बच गए। तो बात यह है कि अस्सलाम पर ईमान रखना ज़रूरी है कि मेरा रब सिवाय सलामती के मेरे लिए कुछ नहीं चाह सकता। अपनी माँ को तसव्वुर में लाएं, सिवाय सलामती और बेहतरी के लिए अपनी औलाद के लिए वो क्या चाह सकती है? हमारी माओ ने क्या हमको इंजेक्शन नहीं लगवाए? लगवाए थे तो क्यों? क्या तरबियत नहीं की? क्या डांट डपट नहीं करी? क्या मार पिटाई नहीं करी? बिल्कुल करी। तो नतीजा क्या निकला? हमारी सलामती के लिए करती हैं। तो जिस रब ने माँ बनाई है वो कैसा सलामती वाला होगा? वो कैसे कभी मेरे आपके लिए बुरा चाह सकता है? अच्छा, ये तो हो गया अल्लाह की तरफ असलाम की तरफ शर का, जिसको हम शर कह रहे होते हैं वो खैर होता है हमारे लिए। अब जो नुकसानदेह शर है, अब जब उसकी हम बात करते हैं, एक नफामंद शर को समझ गए, अब हम नुकसानदेह शर की तरफ आते हैं। उसका वजूद है, डेफिनेटली है। नुकसानदेह शर मखलूक के बुरे आमाल की तरफ से होता है, या उसके अपने नफ्स की तरफ से होता है, या शैतान की तरफ से आता है। जो नुकसानदेह शर है उसकी इन तीन किस्मों के अलावा चौथी किस्म कोई नहीं। फिर रिपीट करूं, या तो वो मखलूक का शर होता है, या हमारे नफ्स का शर होता है, या शैतान का होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दिया करते थे तो आप अल्लाह ताला से पनाह मांगते थे, क्या? नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति आमालिना। अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं अपने नफ्स के शर से और अपने गुनाहों के शर से। और कौन किन किन शुरूर से पनाह मांगी गई? सूरत अल फलक, सूरत अन्नास जहन में लेकर आइए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक और मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब और व मिन शर्रिन नफ्फाथाति फिल उक़द और व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद और किसे व मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। कि अल्लाह ताला, हम मखलूक के शर से तेरी पनाह में आते हैं, अल्लाह ताला हम अंधेरे के शर से तेरी पनाह में आते हैं, अल्लाह हम जादू टोना करने वालों के शर से तेरी पनाह में आते हैं, हम हसद करने वालों के शर से तेरी पनाह में आते हैं, और हम उस अलवसवास अलखन्नास इबलीस लईन उसके शर से, उसके वसवसों से और वसवसा अंदाजियों से अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं। अब मखलूक का शर क्या है? सांप है, जहर है उसके अंदर। दरअसल अस्सलाम ने सांप में जहर रखा है। क्यों? इसलिए कि वो सांप का माबूद है या नहीं है? सांप को किसने बनाया? अस्सलाम ने बनाया। तो जहां वो मेरी और आपकी सलामती चाहता है, वो सांप की भी सलामती चाहता है। अल्लाह ताला ने अस्सलाम ने सांप में जहर रखा ताकि सांप अपने आप को महफूज कर सके, अपनी सलामती का वो इंतजाम कर सके। उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जब उसे खतरा महसूस होता है या उसको लगता है कोई उसके अंडों के पास आ रहा है तो सांप डसने की कोशिश करता है, या अपनी गजा हासिल करने के लिए वो किसी को डसता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं मिन शर्री मा खलक, कि अल्लाह ताला सांप हमें ना डसे, या अगर डसता है तो अल्लाह ताला हमें उसका नुकसान ना पहुंचे, डस ले। तो उसी जहर में अस्सलाम ने एंटीवेनम रख दिया है, जहर के अंदर ही तो त्रियाक रखा है अस्सलाम ने। तो ये देखिए, ये है अस्सलाम का मामला। और इंसानों और जिनों को जो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है इरादे की और इख्तियार की, तो वो दूसरों को नुकसान दा शर पहुँचाते रहते हैं, ये नुकसानदेह चीज़ें पहुँचती रहती हैं। और सबसे बड़ा शर जो आता है वो नफ्स और शैतान का कॉम्बिनेशन, दोनों मिलकर नुकसान पहुँचाते हैं। कब? जब नफ्स और शैतान अल्लाह से अस्सलाम से बदगुमान कर देते हैं। अब हम अस्सलाम की शान अपने जिस्म के अंदर देखते हैं, जो मेरा और आपका जिस्म हमारे रब अस्सलाम ने बनाया, किस तरह उसने हमारा इम्यून सिस्टम बनाया, इंशाल्लाह अल हाफिज अल हफीज नाम पर बात करेंगे तो इसके बारे में मज़ीद वहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे। लेकिन मुख्तसरन, कैसे बीमारियों वगैरह से वो हमको सलामत रखता है, हमारा अपना निज़ाम दिफा जो है इम्यून सिस्टम। फिर देखें, हम तो सो जाते हैं, अस्सलाम हमें करवटें दिलाता रहता है। असाबे कहफ कितना सोए थे? तकरीबन 300 साल। इमेजिन करें कि वो एक ही तरफ सोते रहते तो कैसे बेड सोर्स बनते, कैसे वो पैरालाइज हो जाते, उनका
जो सर्कुलेशन का सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, वो काम ना कर सकता, खून का दौरानिया ना हो पाता, तो क्या हाल होता? हम भी सोते हैं, हमें खुद नहीं होश होता, अल्लाह कैसे करवटें दिलवाते हैं? अस्सलाम, हमारी हिफाजत के लिए कि कहीं हमारे खून की गर्दिश ना रुक जाए। अपने दिमाग को हम देखें, और ज़रूर जाके आप लोग इस तरह की वीडियोस देखा करें, बजाय कि हम ड्रामे और अफसाने और बेकार की चीज़ें देखकर अपना टाइम ज़ाया करें, या हम इसको मौजूए बहस बनाएं कि फ़लाँ ने क्या कहा और फ़लाँ ने क्या कहा। इस तरह की वीडियोस इतनी आपको मिलेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हर चीज़ एक बटन प्रेस करने पर हमारी विदिन हमारी रीच है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अपने इख्तियार में है कि हम अल्लाह ताला की शानें देखें। तो ज़रा जाके कभी दिमाग के बारे में देखें, स्कल के बारे में, कि अल्लाह ताला ने स्कल के अंदर उसको कैसे सलामती के साथ रखा हुआ है। जो हमारा स्कल है और जो हमारा ये ग्रे मैटर जिसको हम कहते हैं, इसके बीच में लिक्विड है, अल्लाह ताला ने लिक्विड रख दिया है जो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड को देखें, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ देखी हैं आपने, उसके बीच में वो स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है। किस तरह अल्लाह ताला ने उसको सही सलामत रखने का इंतज़ाम किया है, और रीढ़ की हड्डियों की हिफाजत में अस्सलाम ने सलामती के साथ उसको रख दिया। दिल को देखें, कैसे अस्सलाम ने पसलियों के पिंजरे के अंदर सलामती के साथ उसको रखा। आँखों को देखें, कैसे सॉकेट के अंदर रखा हुआ है। चोटें लगती हैं चेहरे के ऊपर, आम तौर पे आँख पर चोट नहीं लग पाती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको अंदर रखा हुआ है। इसी तरह बाकी जो मखलूकात है, हमने एक का जिक्र किया था, सांप का, जो अपना दिफा करता है, अस्सलाम ने उसकी सलामती के लिए उसके अंदर जहर रखा। इसी तरह बाकी मखलूकात को देखें, बहुत नाजुक हैं, तितलियां हैं मिसाल के तौर पे, या छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, कि जो बाकी जानवरों की गिज़ा बनते हैं, अस्सलाम ने कैसे उनके अंदर कैमोफ्लाज की सलाहियत रख दी है कि वो अपने आप को सलामत रखें। कैसे गिरगिट को देखें, रंग बदल लेता है, हरे रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। ऑक्टोपस के बारे में देखा होगा आपने, कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैमोफ्लाज हो जाता है ताकि दुश्मन उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये तो मखलूक के साथ हमारे रब का अस्सलाम का मामला है, तो सोचे कि हमारे साथ तो फिर क्या उसने मामला किए हुए हैं। फिर अपनी खल्क की जितनी मखलूकात हैं, उनकी सलामती के लिए अस्सलाम ने इंतज़ाम किया हुआ है। चांद, सूरज, सब के मदार फिक्स कर दिए हैं अल्लाह ताला ने। किसने ये कंप्यूटर से निकाला था कि सूरज को इस फासले पर होना चाहिए और चांद को इस फासले पर होना चाहिए? सारी कायनात अस्सलाम की फरमा बरदार है। अल्लाह फरमाता है, वलहू अस्लमा मन फिस समावाती वल अर्द, उसी के फरमा बरदार हैं सब जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और वो अल्लाह के फरमा बरदार हैं, अस्सलाम के फरमा बरदार हैं, तभी सलामती है, वरना तो कब की क़यामत आ चुकी होती हमारी ज़मीन के ऊपर। अपने बंदों के लिए जो दीन पसंद किया है अस्सलाम ने, वो है इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन तो बस इस्लाम ही है। और पुरजोर अल्लाह ताला दावत देता है कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़तन, कि तुम इस्लाम में पूरी के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ज़िंदगी का हर हिस्सा हमारा, हर गोशा, माशरत हो, मईशत हो, तिजारत हो, मामलात हो, सब इस्लाम के दायरे के अंदर होंगे तो वो सलामती के साथ चलते रहेंगे। जो हिस्सा इससे बाहर होगा वो खतरे का शिकार हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की जब दावत देते थे, और गैर मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ जब आपने पैगाम भिजवाया था, तो उसमें आप लिखवाते थे कि असलम, फरमा बरदार हो जाओ, तस्लम, सलामत रहोगे, इस्लाम लाओ, सलामत रहो। और जो अस्सलाम की मदद चाहेगा, अस्सलाम उसको ज़रूर हिदायत देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, यहदी बिहिल्लाहु मन तबा रिज़वानहु सुबुल अस्सलाम। अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से उन लोगों को सलामती के रास्तों की हिदायत देता है जो अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं। और सुबुल अस्सलाम क्या है? ये अल्लाह ताला की दीवी शरीयत है जो कि कुरान और हदीस में मौजूद है। तो अस्सलाम का दिया व निज़ाम जब नाफिज किया जाता है, तो ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद, परिंद, दरख्त वो तक सलामत रहते हैं। अल्लाह ताला के हर फरमान में सलामती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा था, अस्लिम, फरमा बरदार हो जा, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया था, अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, मैं तो पहले ही फरमा बरदार हूँ, रब्बुल आलमीन का तैयार बैठा हूँ।
हमें कितना रश्क आता है कि कितना प्यारा जवाब दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने प्यारे नबी ने हमको भी ये कलिमात सिखा दिए। जब सोने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते थे, हाँ, और तरीका क्या था आपका लेटने का? दाईं करवट। और ये आज हमें साइंस बताती है कि हार्ट चूंकि लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, तो अगर उल्टे सोएं, यानी कि पेट के बल अगर सोएं या उल्टी करवट सोएं, तो हार्ट पे जोर पड़ता है। तो ये नहीं कि सारी रात ही आप सीधी करवट सोएं, लेकिन जब बिस्तर पर लेटें तो दाईं करवट के ऊपर लेटें। फिर आप क्या दुआ मांगते थे? आप फरमाते थे, असलम तो नफसी इलैक, अल्लाह मैंने अपना नफ्स तेरे सुपुर्द कर दिया। पुर सुकून हो जाए दिन भर की परेशानियां, परेशान कुन खबरें, कभी रिश्तेदारों की तरफ से, कभी किसी की तरफ से, कभी अपनी जान की तरफ से, तो बस जब लेटें तो पुरसकून होके लेटें। हम कहते रात भर नींद ही नहीं आई मुझे परेशानी में, ये दुआ पढ़ के देखें, असलम तो नफसी इलैक, अल्लाह मैंने अपना नफ्स तेरे हवाले किया। व वज्जह तो वजी इलैक, और मैंने अपना रुख अल्लाह तेरी तरफ कर लिया। व फवस्तु अमरी इलैक, अल्लाह मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, अस्सलाम के सुपुर्द कर दिया, इंशाल्लाह सलामती होगी हर चीज़ में। व अलजा तो ज़हरी इलैक, अल्लाह मैंने अपनी पीठ टिका दी तेरी तरफ। सहारा लेता है ना इंसान, तकिए का सहारा लेता है, किसी आरामदेह चीज़ का सहारा लेता है, तो ये अल्लाह अस्सलाम मैंने तेरा सहारा ले लिया। रग़बतन व रहबतन इलैक, रग़बत के साथ और अल्लाह तेरी नाराज़गी के खौफ के साथ मैं तेरी तरफ रुजू करती हूँ। ला मलजा, कोई जाय पना नहीं, वला मंजा मिनक, और कोई राह निजात नहीं, इल्ला इलैक, मगर अल्लाह सिवाय तेरी तरफ। फिर्रु इलल्लाह, अल्लाह फरमाता है ना दौड़ो अल्लाह की तरफ, तो अस्सलाम तुमको सलामती के साथ ही रखेगा, तुम्हारा ख्याल करेगा। तो हो सकता है कि जब हम ये अहद कर लें कि असलम तो नफसी इलैक, कि अल्लाह ताला मैंने अपने आप को तेरा फरमा बरदार बना दिया, तो हो सकता है कि फरमा बरदारी में मुश्किलात आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पड़ी मुश्किलात? ऑफ कोर्स पड़ी, बिल्कुल पड़ी, लेकिन इनाम के तौर पे क्या मिलता है फिर मुश्किलात के बाद? सलीम दिल। अल्लाह ताला फरमाता है, यौम ला यनफाउ मालुम वला बनून, क़यामत के दिन जब ना माल काम आएगा ना बेटे। और ये दो हमारे गम की सबसे बड़ी वजूहात हैं, या तो माल के पीछे हम रोते पीटते रहते हैं, या औलाद के पीछे रोते पीटते रहते हैं। किसी तरह हम डिटैच ही नहीं करते अपने आप को इन दोनों से, खुद बजाय कि हम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने, हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो अल्लाह के सपोर्ट कर दिया ना मामला, आ गई मुश्किलात, दिल सलीम होगा, और क़यामत के दिन सलीम दिल ही काम आने वाला है। यौम ला यनफाउ मालुम वला बनून, जिस दिन के ना माल काम आएगा ना बेटे, इल्ला मन अतल्लाहा बिकल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह के हुजूर सलीम दिल लेकर आ जाए। और ये मुश्किलात के बाद ही दिल सलीम होता है, इसकी पाकी इतना आसान काम नहीं है, दिल को पाक करना। सिर्फ नेमतें ही नेमतें मिले, पता नहीं हमारे दिलों के अंदर क्या गुरूर, क्या खुदपसंदी और क्या गंदगी भर जाए। अल्लाह ताला पाक करता रहता है। और तो अंबिया की सुन्नत है मुश्किलात का आना, अंबिया की सुन्नत है मजाक का उड़ना, इसी से दिल सलीम होते हैं। तो देखा आपने, कोई नुकसान मोमिन को नुकसान नहीं दे सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों तक को हम वसीयत कर जाए कि देखो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के फरमा बरदार हो। अभी सलाम का जो हम सलाम, जो अपने अल्फाज में हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा ना कि सलाम का एक मतलब तहिया भी होता है, ग्रीटिंग्स हैं, सोशल ग्रीटिंग्स हैं, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? तो बड़ी दिलचस्प हदीस है, बुखारी में ये रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनको फरिश्तों की तरफ भेजा और कहा कि जाइए ए आदम और फरिश्तों को सलाम कीजिए। तो इसका आगाज़ वहाँ से हुआ है, हमारे अब्बू ने सबसे पहले सलाम किया था अल्लाह के हुक्म पर। जो पहला अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को, वो क्या था? सलाम का, कि सलाम कीजिए जाके फरिश्तों को, और कहा था कि फिर उनका जवाब सुनिए, और यही आपका और आपकी औलाद की दुआए मुलाकात होगी। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों की तरफ गए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम, आप सब पे सलाम। फ़क़ालू, तो फरिश्तों ने कहा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती और अल्लाह की रहमतें। तो जो हमारे अब्बू को ग्रीट किया गया वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहता है कि सारी औलादे आदम को यही सलामती पहुंचे। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और खतीजा के लिए फरमाया कि वो आपकी तरफ आ रही हैं और उनके हाथ में कोई बर्तन है, उसमें पानी है या कोई मशरूब है या कुछ खाना है। तो फिर जिब्रील ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फ़क़
فقرأ علیہ السلام من ربیہا ومنی, کہ اے نبی خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کر دیجئے. اور یہ آنر کسی کو نہیں ملا, کسی کو نہیں, کہ یہ کہا گیا ہو کہ خدیجہ کو میری طرف سے, اللہ کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کیجئے, ومنی, اور میری طرف سے. تو خدیجہ کو آپ نے سلام پہنچایا, تو ذرا خدیجہ کی ذہانت دیکھیں جو انہوں نے جواب دیا. خدیجہ نے جواب دیا ان اللہ هو السلام, یقیناً اللہ تو خود السلام ہے. یہ نہیں کہا کہ السلام علی اللہ, یہ نہیں کہا انہوں نے. ان کا کہ ہم کیا اللہ پہ سلامتی بھیجیں گے, اللہ تو ہے ہی سراپا سلامتی, وہ تو ہے ہی السلام, ہم اس کی سلامتی کے محتاج ہیں. اور آگے کہا وہ علی جبریل علیہ السلام, اور جبریل پر سلام, وہ علیہ کا یا رسول اللہ, اور آپ پر ہے اللہ کے رسول, السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ, اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں. تو یہ ہماری ماں ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا, اور یہی مسلمانوں کا ملاقات کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, اور حسن اتفاق دیکھے کہ جس راوی سے یہ حدیث ہم کو ملتی ہے سلام والی, ان اس راوی کا نام بھی عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ عنہ, یہودی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی سننے کے لیے گیا, اب تک تو یہودی تھے, کہ میں بھی جاؤں ذرا جا کے دیکھوں کہ کیا تعلیمات ہیں جو دی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ تھی کہ آپ لوگوں سے فرما رہے تھے ایوہ الناس, اے لوگو, افش السلام, سلام کو پھیلاؤ, فروغ دو, رواج دو, واطعم الطعام, اور کھانا کھلاؤ, وصلوا باللیل, اور رات کو نماز پڑھو, والناس نیام, جبکہ لوگ سو رہے ہوں, تو تدخل الجنت بھی سلام, تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا. کون سی مشکل چیزیں ہیں مجھے بتائیں, کتنی حسین تعلیمات ہیں آپ دیکھیں. تو اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ ایوہ الناس, اے لوگو, اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, وصلوا الارحام, رحمی رشتوں کو جوڑو, وصلوا باللیل, اور رات کو نماز پڑھو, والناس نیام, جب لوگ سو رہے ہوں, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا. اور لوگوں کے لیے بھی دعوت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام, جنت کا ایک نام ہے دار السلام, اللہ بلاتا ہے, اللہ انوائٹ کرتا ہے تم کو دار السلام کی طرف آؤ, سلامتی کے گھر کی طرف آؤ, اور وہاں پیغام آئے گا, اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سنوائے, سلام من سلام, سلام آئے گا, قول من رب رحیم, رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا. اور کیا جگہ ہے جنت, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, وہاں پہ جنتی نہ لغ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں سنیں گے. دنیا میں تو بہت تکلیف دہ باتیں انسان سنتا ہے. الا قیلن سلامن سلامن, سوائے اس کے کہ سلامتی اور سلامتی, کوئی بات ایسی ہم سنیں گے نہیں جس سے کہ ہم کو اذیت ملے. چھوٹی سی کوئی سائیکولوجی کو, نفسیاتی کوئی ہم کو تکلیف بھی نہ پہنچائے گا وہاں پر, سلامتی ہی سلامتی کی ہم انشاءاللہ باتیں وہاں پر سنیں گے, اللہ ہم کو وہاں پر جمع کرے. تو یہ ہمارے رب کا طریقہ ہے کہ وہ ہم کو بلاتا ہے. تو اب جنت کا, جس کا بھی ذکر ہم کر رہے ہیں, اس کا شہری بننے کے لیے, اس کا نیشنل بننے کے لیے, اس کا پرماننٹ ریسیڈنٹ بننے کے لیے کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو, ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کا معاملہ. حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ, مسلم تو وہ ہے کہ جس کی زبان, پہلے زبان کا ذکر ہے, ہاتھ سے تو ہم کبھی نقصان پہنچاتے ہیں, زبان سے زیادہ اذیت پہنچاتے ہیں دوسروں کو. کہتے ہیں نا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے, زبان کا نہیں بھرتا. تو المسلم ہم کیا کہتے ہیں, مسلم کون, تہجد, پردہ, نماز, روزہ, ہم کہتے ہیں بس یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ اصل میں مسلم کون ہے. من سلم المسلمون, جو دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر دے, کس سے, بلسان ہی و ید ہی, اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے, نقصان نہ پہنچائے, تنگ نہ کرے ان کو. بہترین وہ ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. کس حد تک, اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون, جب جاہل آ کر بات کرتے ہیں تو ترکی بہ ترکی وہ جواب نہیں دیتے, تر 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 جواب نہیں دیتے, تانے کے بدلے تانا, طنز کے بدلے طنز, برائی کے بدلے برائی, یہ نہیں کرتے. جب جاہل, جاہل سے مراد کیا, ایک تو جاہل یعنی کہ الٹریٹ قسم کے لوگ, اور دوسرے کیا, ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ جذباتی ہیں, بہت ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ لوگ آ کر ان سے بات کرتے ہیں
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں, ٹھنڈا کرتے ہیں ان کو, تو بس عہد کر لیں کہ مجھے تانا نہیں دینا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے تو مجھ کو اتنی باتیں سنا دی اور مجھ کو تو اس وقت یاد ہی کچھ نہیں آیا, پھر ہم گھر جا کے سوچنا شروع کرتے ہیں, ہاں جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا, آئندہ ملیں گی تو میں یہ کہوں گی اس کو, میں ایسے بات نکالوں گی, پھر بات کو یہاں لے کر جاؤں گی, پھر میں یہ تانا اس کو دوں گی, میں اس کی یہ خرابی یاد دلاؤں گی. کیوں اپنی دماغ کی سلامتی کو کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں, رہنے دیں, چھوڑ دیں. اور تانوں کو ضروری کہ ہر تانا ہم سمجھیں, رہنے دیں, بیوقوف بن جائیں, آدھی باتیں کہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا, وہ کہیں ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے کرتے ہیں, وہ کہیں ہاں واقعی لوگ ایسے کرتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہر چیز کو کہ مجھے ہی سنا رہے تھے, مجھے ہی کہہ رہے تھے, رہنے دیں. تو لہٰذا جب جاہل بھی ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس سلام ہی سلام, سلامتی ہو. یہ طریقہ ہے ہمارے السلام رب کا, کہ تم اپنے آپ کو سلامت رکھو, اپنے آپ کو تم پریشان مت کیا کرو. علماء کا کہنا ہے کہ جب بھی انسان کو وحشت یا گھبراہٹ یا خوف محسوس ہونے لگے, یا سلام پڑھ لے تو بہت فرق پڑے گا. یہ السلام نام انسان کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے, ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اور عملی طور پہ السلام کی فرما برداری کریں, مسلم بن کر رہے, انسان ابدی سکون اور سلامتی کے گھر میں داخل ہو جائے گا. قیامت دن کہا جائے گا ادخلوها بسلام, داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذلک الیوم الخلود, یہ تو ہمیشگی کے داخلے کا وقت ہے, کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انتظام کر دیا ہمارے لیے کہ ہم اس دار السلام میں کیسے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اس کو ہدایت دے, یشرح صدرہ للاسلام, اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, اور اللہ میرا کام آسان کر دے. تو خود عمل کریں. اسلام صرف ظاہر کا نام نہیں ہے, باطن کا نام ہے. وہ کیا مسلم ہے جس کے اپنے اندر سکون نہیں ہے؟ اور ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں الحمدللہ, پاکستان میں کوئی رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ہونے والے یہ ہونے والے, ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ بے حس و بے حس, پتہ ہی کچھ نہیں تم کو پتہ نہیں کیا سیاسی حالات ہو رہے ہیں, خبریں تو پڑھو, ہاں پڑھ کے بھی, لیکن چونکہ ہم مسلم ہیں ہم اپنے اندر کا سکون کسی حال میں ڈسٹرب نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم اس دنیا کے شہری بننے کے لیے نہیں آئے. یہ اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ, اپنی تمام تر مشکلات کے ساتھ یہ ختم ہونے والی ہے, دکن دکن ہونے والی ہے. کیا دل لگانا یہاں پہ, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت لی جا ہے, تماشا تو نہیں ہے. تو جو جہاں رہ رہا ہے الحمدللہ, بس آسانی کے ساتھ گزر جائیں, سرفس پر سے گزر جائیں, زیادہ ڈیپ نہ جائیں اس دنیا کے اندر, یہ بہت پریشان کرے گی. تو لہٰذا جو اللہ نے راستہ دکھایا ہے اس کی طرف چلیں. تو السلام کا دیا ہوا اسلام, اس پر عمل کریں اور اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. اور سلامتی والی رات کو تلاش کرنا نہ بھولیں, ایک ہی دفعہ سال میں آتی ہے, اور رمضان میں آتی ہے, اور شب قدروں میں آتی ہے. دل لگائیں, اس کو تلاش کریں. اور کیا ہے وہ رات؟ سلام ان سراسر سلامتی ہے, حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل فرمائے جس پر کہ سلام بھیجا گیا ہے. اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا ہے, سلام علی نوح, سلام علی موسیٰ و ہارون, سورہ صافات میں سب آتا ہے, سلام علی الیاسین. پر اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی المرسلین, اللہ تعالیٰ نے جن کو رسولی بنا کر بھیجا ان پر سلام. اور رشک آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام, اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی شامل کیا ہے. سورہ نمل میں آتی ہے آیت 59 کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر. اور اللہ کا السلام کا چنا ہوا بندہ جس کے اپنے اندر سلامتی سکون ہوتا ہے, اندر سے سلامت ہوتا ہے, ذہنی طور پہ سلامت ہوتا ہے. آج کل تو اس کو ایک سورس آف پرائڈ بنا دیا گیا ہے کہ ٹراما, مجھے بہت ٹراما ہوا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا. یعنی اس کو ایک تھیم بنا لیا گیا ہے باتوں کی. مسلم کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پرسکون رہتا ہے, وہ سلامتی کی باتیں کرتا ہے, امید افزا باتیں کرتا ہے, اور لوگوں کو السلام کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے. اور تین موقع ہوتے ہیں خصوصی طور پہ جس میں کہ انسان کو وحشت محسوس ہوتی ہے. ایک موقع تو گزر گیا آ کے میرا اور آپ کا, وہ ہے پیدائش.
वो बच्चे के लिए भी साइंस ने हमको बताया कि माँ पर तो जो कैफियत तारी होती है वो तो होती है, बच्चा जो बर्थ कनाल से गुजर रहा होता है वो बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उसके लिए, द एक्सपीरियंस ऑफ बर्थ। और कहते हैं कि हम उसकी याद जहन में लेकर आते हैं, किसी तहत शऊर या ला शऊर की सतह तक वो याद चली गई होती है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे चली गई होती है, बट इट इज देयर, इट इज वेरी मच देयर। लेकिन वो एक मरहला था, वो तो गुजर गया। उसके अलावा कौन सा मरहला? कि जब जिस दिन मौत आएगी, बहुत वहशत का होता है, और जिस दिन के दोबारा जिंदा किए जाएंगे, कब्रों से जब निकलेंगे तो सख्त वहशत होगी। या वैलना मम बअसना मिन मरकदीना, हाय हमारी शामत, किसने हमको हमारी ख्वाबगाहों से उठा लिया। तो एक तो मरहला गुजर गया, अब दो आने बाकी हैं। अल्लाह से दुआ करें अस्सलाम का नाम लेके, अस्सलाम या सलाम या सलाम, मेरे साथ सलामती का मामला कर जब मेरी मौत आए, और मेरे साथ सलामती का मामला कर जब मैं अपनी कब्र से निकलूं। तो फरिश्ते रूह कब्ज करते हुए बता देंगे कि दुआ कबूल हुई या नहीं, हमने उस अस्सलाम के शायान शान अमल किया या नहीं। तो मुसलमान की रूह कब्ज करते हुए अमन सलामती की खुशखबरी देते हुए ग्रीट करते हैं वो मुस्लिम को जो दुनिया से जा रहा होता है, कहते हैं सलामुन अलैकुम, सलामती तुम पर, उदखुलुल जन्ना, दाखिल हो जाओ जन्नत में। क्यों? बिमा कुंतुम तामलून, इसलिए कि जो तुम अमल करते रहे उसका बदला ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला हमें इस कैटेगरी में शामिल फरमाए। और ये जो अस्सलाम नाम है, एक बात आपको बतानी रह गई कि तकरीबन ये सीन लाम मीम से 140 टाइम्स 140 दफ़ा कुरान में इससे अल्फाज आए हैं सलाम, कई दफ़ा सलाम, तकरीबन 42 टाइम्स सलाम आया है कुरान के अंदर। और कुरान की अपनी आयात हैं कि तुम सलाम करो एक दूसरे से जब मुलाकात करो। और ये अफशस सलामा बैनकुम कितनी इम्पॉर्टेंट है, आजकल हम देखते हैं कि वक्त के साथ इस चीज़ का रिवाज कम से कम होता चला जा रहा है, ख़ासतौर पर यंगर जनरेशन है वो उसका एहतमाम नहीं करती। तो अब क्या करना चाहिए? ताना देकर उनको सलाम का तरीका सिखाना चाहिए कि अम्मा बैठी हैं, आजकल बच्चों को सिखाया ही नहीं सलाम करना किसी ने, तो मुझे बताएं ये सलामती का तरीका है। अब मुझे बताएं बच्चों को सलाम करना कैसे सिखाना चाहिए? आप बच्चों को सलाम करें और उनको बताकर इसका अजर बताएं कि तुम जब सलाम करोगे तो इतनी नेकियां मिलेंगी, इतनी नेकियां। पहल करने वाले को जो पूरा कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु 30 नेकियां, इससे कम पे 20, और पहल करने वालों का तो दर्जा ही बहुत है, बहुत आला दर्जा है। तो घर में जब दाखिल हों सलाम करें। एक हदीस में मजमून है, वो एग्जैक्ट हदीस मेरे जहन में नहीं है, लेकिन तीन कैटेगरीज उस हदीस में बयान हुई हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने जमानत दी है कि मैं इनकी हिफाजत करूँगा। एक कैटेगरी उस शख्स की है जो अपने घर में दाखिल होकर सलाम करता है, चाहे खाली घर भी हो। आप घर में एंटर होती हैं, दायां पांव राइट फुट अंदर रखा, ऊंची आवाज में कहा अस्सलाम वालेकुम, ऊंची आवाज में। और जो घर में दाखिल होने वाला है वो घर वालों को सलाम करेगा, चाहे वो नौकर हो चाहे वो छोटे बच्चे हों। तो उसमें रिश्ते का उम्र का नहीं है, बात क्या है कौन किसको करेगा, दाखिल होने वाला घर वालों को करेगा। तो जो घर में दाखिल होते हुए अस्सलाम वालेकुम कहता है, अल्लाह ताला उसका जामिन है उसकी सलामती का। तो जिसका अल्लाह जामिन हो, अस्सलाम जिसकी सलामती की जमानत ले रहा है, मुझे बताएं कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम इससे बढ़कर होगा। एहतियात अपनी जगह हम करेंगे, ये तो जाहिर हमारा दीन है कि ऊंट का घुटना बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो, वो अपनी जगह। लेकिन बहरहाल जो हमें हदीस में तरीके बता दिए गए उस पर तो हमें अमल करना ही करना है। तब आगे चलते हैं अल मोमिन नाम को देखते हैं, ये भी अल्लाह ताला का नाम है। 879 टाइम्स इस मादे से कुरान में अल्फाज आए हैं, हमजा मीम नून से। और आपको पता है सबसे ज्यादा खिताब जो अल्लाह ताला ने किया है कुरान में, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब फरमाया है। लेकिन जो नाम है अल्लाह का ये बतौर इस्म बतौर नेम, ये सिर्फ एक ही मकाम पर आया है सूरतुल हशर में, अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन, अल मुमिन ये कुरान में आया है। और सूरत भी है कुरान की, एक सूरत है उसका नाम है अल मुमिन। तो आपको अर रहमान पे याद होगा हमने बात की थी कि अल्लाह ताला का एक नाम अर रहमान, उस पर एक कुरान की सूरत है। और एक और अन्नूर, अन्नूर के बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि अन्नूर अल्लाह ताला का नाम है या नहीं, लेकिन अल मुमिन पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये भी एक सूरत है जो कि अल्लाह ताला के मुबारक नाम पे है, हालांकि जिसमें जिक्र है वो एक और एक इंसान का जिक्र किया गया, लेकिन बहरहाल अल मोमिन अल्लाह का नाम है। तो अल मोमिन इस्मुल फाइल है, आमना यूमिनू से मोमिन बना है।
दुनिया के बादशाह अपने लिए अलकाब इख्तियार करते हैं और वे कभी नहीं चाहते कि उनकी रियाया में से कोई उस लकब को इख्तियार करे या अपनाए, इसलिए कि उनकी अपनी एक शाहाना शान होती है, एक इम्तियाजी शान होती है उनकी, एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है उनका कि भाई मेरा लकब ये है। इसलिए कि जो बादशाह है दुनिया के, उनकी जो बड़ाई है, जो उनका मकाम है, उसको गवारा नहीं करता कि जो बादशाह का लकब है वो रियाया में से किसी का लकब हो। लेकिन हम अलमोमिन को देखते हैं कि अपने उन बंदों को, उन गुलामों को जो उसकी मारिफत हासिल कर लें और उसकी इताअत कर लें, अल्लाह ने मोमिन का लकब दिया है उनको, ये हमारे रब की शान है, उसने शेयर किया हमारे साथ इस चीज़ को, और ये बहुत बड़ा शर्फ है मोमिन के लिए। तो ये मामूली बात नहीं है कि मेरा और आपका लकब जो है वो मोमिन रखा गया है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एजाज़ दिया है, फ़ख्र से अपने आप को मोमिन कहना चाहिए। और फरमा दिया अल्लाह ताला ने कद अफलहल मोमिनून, तहकीक फलाह पा लिए मोमिनों ने। और हमें उभारा है जगह जगह कुरान में कि तुम मोमिन बनने में बाजी ले जाओ एक दूसरे से, वफी ज़ालिका फलयतनाफसुल मुतनाफिसून, तो चाहिए कि आरजू करने वाले इसमें आरजू करें कि कौन सबसे बड़ा मोमिन बनता है। अंबिया ने कहा था, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अव्वलुल मोमिनीन, मैं तो अव्वलीन मोमिन हूँ, सबसे पहला। तो हम कौन हैं? देखिए अल्लाह तो अल मोमिन है, हम कौन हैं? हम मोमिन बिल्ला हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम मोमिन बि रसूलिल्लाह हैं, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो खुद किस तरह अल मोमिन है। इसके दो मायने बताए गए हैं। नंबर वन, मोमिन का मतलब तस्दीक। मोमिन का मतलब क्या? तस्दीक करने वाला। देखिए, आप कोई बात कहती हैं मुझसे और जब मैं आपकी बात की तस्दीक कर देती हूँ तो आपको अमन हो जाएगा ना, यू विल फील हैप्पी। तो एक मोमिन का मतलब होता है तस्दीक और एक इसका मतलब है अमन, जो कि हम जानते हैं अमन, पीस। तो तस्दीक को सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह खुद अल मोमिन कैसे है। तस्दीक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेट करना, वेरीफाई करना, एक्चुअलाइज करना। अब इस तस्दीक करने के हिसाब से अल्लाह अल मोमिन कैसे है, चलिए एक मिसाल से समझते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी सलाहियतों को खुद पहचानता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी कुव्वतों को खुद पहचानता है, और बाज़ दफ़ा नहीं पहचानता और अपने आप को ना पहचानने की वजह से कोई जिम्मेदारी ले लेता है, कोई काम शुरू कर देता है और फिर वो काम पूरा नहीं कर पाता, फिर वो शर्मिंदगी का, नुकसान का एक समझे के हदफ बन जाता है, शर्मिंदा होता है, नुकसान उठाता है कि मैंने जिम्मेदारी ले ली, मुझसे नहीं पूरी हो रही। तो अगर वो अपने आप को जानता कि मेरी कितनी सलाहियत है तो फिर वो ये जिम्मेदारी ना उठाता, कहते मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं ये काम नहीं कर सकता। और कोई ऐसा है जो वाकई खुद को जानता है, जैसे कि जानने का हक है, और फिर वो काम करता है जिसकी सलाहियत उसके अंदर है, तो फिर वो हक अदा कर देगा उसका। समझ आई इतनी बात आपको कि इंसान अपने आप को जानता है कि हाँ ये सलाहियत है और वो काम करता है, यानी तस्दीक कर रहा है वो अपनी सलाहियतों की, या बाज़ दफ़ा वो समझता है मेरे अंदर ये सलाहियत है और नहीं होती उसके अंदर, तो शर्मिंदा हो जाता है। वाकई खुद को जानता तो ये जिम्मेदारी ना उठाता। तो इस मिसाल से अब हम अल मोमिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकत को समझते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात को समझता है अच्छी तरह से, अपने अफ़ाल को समझता है, यानी अल्लाह ने अपनी ज़ात की खुद तस्दीक की है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह अपनी ज़ात का मोमिन है, और वो खुद इस बात की गवाही देता है, खुद तस्दीक करता है। इंसानों की वेरिफिकेशन तो दूसरे लोग करते हैं ना, कि हम कहें कि अच्छा आप में ये सलाहियत है, आप ये काम करें। जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने सीवी देख लिया आपका, जी आप में इस काम की कैपेबिलिटी है। तो हम एक दूसरे की तस्दीक भी तो कर रहे होते हैं। अल्लाह की तस्दीक कौन करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, अल्लाह अला बिकुल्ली शैइन अलीम है, कौन तस्दीक करेगा इस बात? इसलिए कि तस्दीक तो साथी करता है, अल्लाह का कोई साथी नहीं, अल्लाह का कोई साझी नहीं, अल्लाह का कोई कुफू नहीं, वो तो अहद है, समद है। तो उसको कौन वेरीफाई करेगा कि हाँ अल्लाह तेरे अंदर ये सलाहियत है कि तू कायनात को संभाल ले? कोई नहीं कर सकता। अल्लाह खुद अपनी ज़ात की तस्दीक करता है, अल मोमिन है वो खुद। कुरान में आता है कि अल्लाह ने गवाही दी है कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के।
क्लियर हुआ आपको? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डीप है, लेकिन समझें इसको। अपनी तस्दीक, अपनी उलूहियत की, अपनी रुबूबियत की, अपनी सिफात की अल्लाह ने तस्दीक की है, खुद उसने गवाही दी है इसकी। तो एक की तस्दीक का मतलब हमने देखा कि अल्लाह ने खुद अपनी जात की तस्दीक करी, दूसरे अपने रसूलों की तस्दीक की है। अल मोमिन ने अपने रसूलों को मोजज़ात दिए और उनकी रसालत की तस्दीक करी ताकि लोगों के लिए उन पर ईमान लाना आसान हो जाए, इस बात की वेरिफिकेशन हो जाए कि वो अल्लाह के रसूल हैं। लोग माने या ना माने, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो मकामात पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ये ऐसे पहचानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। बल्कि यही अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी आलिम थे, जिनसे वो हदीस आपको सुनाई अभी, ये जब इस्लाम लाए तो ये तो ज़ाहिर है तौरात के आलिम थे, उस सारी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है तौरात के अंदर। तो इन्होंने कहा था कि जो अल्लाह ताला फरमाता है कि यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम, तो कहते हैं अपने बेटे के बारे में तो हो सकता है मुझे शक पड़ जाए, क्या पता मेरी बीवी ने कभी मेरे साथ बेवफाई कर ली हो, लेकिन मोहम्मद के बारे में मुझे कभी शक नहीं हो सकता कि ये अल्लाह के रसूल है। तो ऐसे अल्लाह ताला ने तस्दीक फरमाई है अपने रसूलों की। फिर अल्लाह ताला अल मोमिन और किसकी तस्दीक करता है? जो मोमिनों से वादे किए हैं अल्लाह ताला ने। कितने वादे तो दुनिया में पूरे कर दिए अल्लाह ने जो सहाबा से किए थे, और जो इंशाल्लाह मैं और आप अल मोमिन के बंदे बनते हैं, हम मोमिन बनेंगे तो जो वादे अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल के किए हैं वो सारे पूरे करेगा। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मन अमिल सालिह मिन ज़कर औ उन्सा, कि जो नेक अमल करेगा मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको लाजमन पाकीज़ा ज़िंदगी गुजरवाएंगे, वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम उनको बेहतरीन अजर देंगे उनके कामों के जो उन्होंने किए थे। और अहज़ाब के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सदकल्लाहु वादहु, अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिया, व नसर अब्दहु, और अपने बंदे की मदद की, व हज़म अल अहज़ाबा वहदह, और उसने सारे गुरोहों को तन्हा शिकस्त दे दी। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि रिवायत है। तो अलमोमिन है ना जो वादा किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद का, अलमोमिन ने पूरा किया। फिर सहाबा से पक्का वादा किया था खिलाफत का, दीन की पुख्तगी का और अमन का। सूरह नूर है आयत 55, अल्लाह ताला फरमाता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वादा करता है अल्लाह तुम में से ईमान वालों के साथ, व अमिलु सालिहात, और जो नेक आमाल करते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, ज़रूर अल्लाह ज़मीन में उनको खिलाफत अता करेगा। तो खिलाफत अता की, और ये आयत गवाही देती है कि अबू बकर ईमान वाले थे, उमर मोमिन थे, उस्मान मोमिन थे, अली मोमिन थे, इनको अल्लाह ताला ने खिलाफत दी, खिलाफत राशिदा जिसको हम कहते हैं। और क्या वादा था? वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी तदा लहुम, और अल्लाह उनके दीन को तमकनुत अता करेगा जो अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया। क्या इस्लाम फैला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब वादे हो रहे थे तो ये कोई चीज़ पूरी नहीं हुई थी, ये सब मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता थे, लेकिन आज जब हम तारीख में देखते हैं पलट के तो ये वादे पूरे हुए। कैसे अल्लाह ने इस्लाम को अल्हम्दुलिल्लाह जड़ों के साथ जमा दिया कि आज तक दुश्मनों की लाख कोशिशों के बावजूद मिटा नहीं सके इस्लाम के नाम को, ना कभी मिटा सकेंगे। और क्या फरमाए? वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ताला उनके खौफ को अमन से ज़रूर बदलेगा। कहाँ मक्के में हाल था, एक एक को अपनी जान का खौफ था, कहाँ ये कि बेधड़क बेखौफ अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर अमल करते थे, सब वादे पूरे हुए। और फिर अल्लाह ताला अपने कलाम की तस्दीक करता है। कुरान अमन देता है, ईमान देता है, कोई बात कुरान की उसके खिलाफ कभी भी कोई चीज़ साबित हो नहीं सकी। गुलबत रोम, रोमी मगलूब हो गए, तब्बत यदा अबी लहब, टूट गए अबू लहब के हाथ, ये सारी पेशंगोइयाँ पूरी हुई हैं। तो जो मुस्तकबिल करीब में पूरी हो गई उस वक्त, तो मुस्तकबिल बईद के अंदर भी पूरी होंगी। अच्छा, एक तो हमने ये क्या डिस्कस किया, अलमोमिन का एक मतलब अत-तस्दीक, तस्दीक करने वाला, उसके हमने मुख्तलिफ अकसाम देखी। फिर मोमिन का मतलब होता है अमन, ठीक है ना, अमन देने वाला, अलमोमिन ही अमन देता है। मिसाल के तौर पर नंबर वन, इंतज़ामी अमन को देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना पीस है, निज़ाम कायनात को देखें, तबई कवानीन के ज़रिए मखलूक को अमन दिया हुआ है, चाँद सूरज सब अपने वक्त अपने मकाम पर तुलू गुरूब होते रहते हैं,
सोना है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन खास अंदाज में अमल करते रहते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी है, इस प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हम अमन से प्लान बनाते रहते हैं। किसकी वजह से? अलमोमिन की वजह से। सूरज को तुलू करवाने के लिए कोई खास दुआ नहीं करनी होती हमको कि हम कहें या रब्बी, ए मेरे रब, अशम्स लम तज़हर अल्यौम, अल्लाह आज तो सूरज निकला ही नहीं। अज़हर हा लना, अल्लाह तुलू करना उसको हमारे लिए। ये नहीं होता कि सूरज को अलार्म लगाना था या हमें अलार्म लगाना था कि हमें सूरज को ऑन करना है। नहीं, अल्लाह ने कितना हमें अमन दिया हुआ है, देखें जरा। इत्मीनान रखिए, सूरज तुलू होता रहेगा, जमीन अपने मदार पर चक्कर काटती रहेगी, सोना सोना ही रहेगा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, जिस्म का निजाम प्रेडिक्टेबल है हमारा, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब अपनी जगह मौजूद हैं। जब से इंसान वजूद में आया, इल्ला माशा अल्लाह, के बाज दफा कुछ लोगों का दिल लेफ्ट के बजाय राइट साइड पर होता है, बट ये एक्सेप्शन है, आमतौर पर तो ऐसे नहीं होता। तो ये इंतजामी अमन को देखें, हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं इसको, अल्लाह ने कैसे हमको ये अमन दिया है अलमोमिन ने। और फिर मादी अमन दिया है उसने, मटीरियल पीस, मुख्तलिफ खतरों से बचाव के लिए मुख्तलिफ चीजें पैदा कर दी, आग बुझाने के लिए पानी, प्यास बुझाने के लिए पानी, बीमारी दूर करने के लिए दवा, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए मुनासिब लिबास अलमोमिन ने नाजिल कर दिया, धूप से बचने के लिए साया बना दिया अलमोमिन ने हमारे लिए। अल्लाह अलमोमिन है, सारी कायनात गवाही दे रही है कि वो अलमोमिन है। फिर खौफ से अमन दिया, देखिए अमन की जिद क्या है, खौफ है। सबसे बड़ा खौफ जुल्म का होता है इंसान को, कि मेरे साथ जुल्म होगा, मेरे साथ ज्यादती होगी। अलमोमिन जालिम से निजात दिलाता है मजलूम को, जैसे बनी इसराइल को अलमोमिन ने फिरौन से निजात दिलाई। हदीस में आता है इन्नल्लाहा लयुमली लिज़्ज़ालिम, अल्लाह ताला मोमिन को, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, हत्ता इज़ा अख़ज़हु, यहाँ तक कि जब पकड़ लेता है, लम युफलितहु, फिर नहीं छोड़ता। जब पकड़ आई अल्लाह की, इन्ना बतशा रब्बी का लशदीद, जब पकड़ आती है तो बड़ी सख्त होती है, अल्लाह जालिम होने से मुझको और आपको अपनी पनाह में रखे। कोई कितना भी बड़ा जालिम हो, बहरहाल मजलूम की मौत उसको जुल्म से निजात दिला देती है, लेकिन जालिम को जब अलमोमिन पकड़ेगा फिर निजात नहीं मिलेगी। तो दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, बस जैसे समंदर में उंगली डाल के निकाल ली। हम ये बार बार हकीकत भूल जाते हैं, और क़यामत के दिन सब जुल्म से अमन में होंगे। अल्लाह फरमाता है ला जुल्म अल्यौम, आज किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, ऐलान कर दिया जाएगा। और अलमोमिन रूहानी हमें अमन देता है, जिस्मानी मादी अमन भी फराहम किया हुआ है, और हमारे लिए दाखली रूहानी अमन का भी इंतजाम कर दिया है। सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है फअय्युल फरीकैन अहक्कु बिल अमन इन कुंतुम तअलमून, बताओ दोनों गुरुओं में से कौन अमन का ज्यादा मुस्तहिक है। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग हैं जो कि ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया, औलाएक लहुमुल अमन, उनके लिए अमन है, वहुम मोहतदून, और वही हिदायत पाने वाले हैं। तो देखिए मोमिन की डिफॉल्ट पोजीशन परेशानी नहीं होती, हर वक्त परेशान। मोमिन की डिफॉल्ट पोजीशन अमन की होती है, पीस। अगर हम बहुत परेशान रहते हैं तो अपने ईमान का जायजा लेना है मुझको और आपको, कि मैं क्यों इतनी हाइपर होती हूँ, मैं क्यों हर वक्त परेशान रहती हूँ। इसका मतलब है कि ईमान के अंदर कमी है कहीं ना कहीं, अलमोमिन के ऊपर एतमाद नहीं है या तो हमको, और अलमोमिन ने हमें ईमान लाने की पुरजोर दावत दी है। हम हमें चाहिए लब्बैक कहें। कुरान में आता है रब्बना इन्ना समिअना मुनादी युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, ए हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले की पुकार सुनी जो हमको ईमान की दावत दे रहा था कि तुम ईमान लाओ अपने रब के ऊपर, तो अल्लाह हम ईमान ले आए। और अलमोमिन का कलाम ईमान फराहम करता है, उसका जिक्र इत्मीनान बख्शता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये कैसे हो सकता है कि हम रोज कुरान पढ़ें और हमारी परेशानी ख़त्म ना हो और हमें अमन नसीब ना हो, ये कैसे हो सकता है? या तो हमने एक एक्सरसाइज की है ना, इतने कुरान ख़त्म, एक्चुअली हमें ना क्वान्टिटी का बहुत शौक है, हमें हम नंबर गेम में बहुत पढ़े रहते हैं, इतना पढ़ लिया, एब्जॉर्ब कितना हुआ, जस्ट कितना हुआ। ये कैसे हो सकता है कि वो किताब अलमोमिन की किताब है, वो हम रेगुलर पढ़ते हैं, हम ख़त्म पे ख़त्म करते हैं और हमारे अंदर अमन नहीं आता,
हम पुरसकून नहीं हैं, क्यों? फिर सोचने की ज़रूरत है कि पढ़ने के तरीके में क्या कमी है। तो ये दरअसल अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जो इस किताब पर अमल करेगा, वह इम्मा यातियन्नहुम मिन्नी हुदन, और तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आती रहेगी। फमन तबिया हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उसके लिए खौफ है और ना उसके लिए गम है। हम कहते हैं जन्नत में होगा, ये जन्नत में तो होगा ही होगा, लेकिन मोमिन की डिफॉल्ट पोजिशन दुनिया में अमन की होती है कि वो पुरसकून होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराते हुए सहाबा कहते हैं हमने किसी को नहीं देखा। तो ये पीस विद इन इज पीस विदाउट, अंदर अमन होता है ना तो बाहर भी अमन होता है। अल्लाह ताला ने जो हमको रूल दिए हैं वो हमारे अपने अंदर अमन पैदा करते हैं। जिस्म और रूह को उसका हक मिल रहा होता है, जिस्म के रूह के जायज़ तकाजे पूरे हो रहे होते हैं, और अल्लाह मोमिन पर ट्रैंक्विलिटी नाजिल कर देता है, सकीनत नाजिल कर देता है। हर मुश्किल वक्त पे अल मोमिन अपने बंदों को अमन देता है। जैसे कुरान में आता है हुवल्लज़ी अनज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, वही तो है जो सकीनत नाजिल फरमाता है मोमिनों के दिलों के ऊपर। लियज़दादु ईमान ईमानन मा ईमानहिम, ताकि ईमान के साथ मज़ीद उनका ईमान बढ़ा दे। तो जब परेशानी हो सुकून महसूस करना चाहिए कि मेरा रब है मेरे साथ। अच्छा, अब एक और सवाल दिमाग में पैदा होता है कि अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा अपने बंदों के दिलों में घबराहट और खौफ डालता है। देखिए हमको तजर्बा खुद भी है ना, हम बातें करें लेकिन हकीकत हकीकत है, दिल के अंदर खौफ, दिल के अंदर घबराहट पैदा होती है। उसकी क्या वजह है, कोई रीज़न क्या है इसका? अलमोमिन अगर है तो घबराहट और खौफ क्यों महसूस हुई? और मैं और आप तो क्या हस्ती हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत खौफ और डर महसूस हुआ था जब वो मिस्र से निकल रहे थे, तो कैसे निकल रहे थे? अल्लाह ताला फरमाता है फखरज मिन्हा खाइफ़ यतरक्कब, वो निकले थे वहां से डरते हुए और निगरानी करते हुए चारों तरफ। तो खाइफ का लफ्ज आया ना, डर रहे थे वो। दाऊद अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पे आराम से अपने कमरे में बैठे हुए थे, अचानक कुछ लोग दाखिल हो गए, दाऊद अलैहिस्सलाम का इत्मीनान रुखसत हो गया, अल्लाह के नबी थे। फ़फ़ज़ा मिन्हुम, अल्लाह फरमाते घबरा गए वो उनको देखकर, दाऊद अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला घबराहट क्यों डालता है, अपने रसूलों पर भी डाली और हम पर भी डालता है? जवाब ये है कि खौफ की वजह से बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो बजाय इसके कि मैं और आप अपनी परेशानी को इधर उधर शेयर करें, सबसे पहले अल्लाह से शेयर करें, और बस अल्लाह ही से शेयर करें, और ज़्यादा किसी से कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। कोई और क्या कर लेगा बताएं, कोई मेरी परेशानी कैसे दूर कर सकता है? और उसकी तो कोई डेप्थ समझ भी नहीं सकता कि मैं कितनी परेशान हूँ, सिवाय अल्लाह के, अल मोमिन के, वही अमन देता है। तो फिर इंसान जब खौफ में मुब्तला होता है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, इल्तिजा करता है, दुआएं करता है। तो खौफ की वजह से तो दुआ की थी मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला मुझको ज़ालिम कौम से निजात दे दे। दाऊद अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस हुआ, फ़ज़ा मिन्हुम, हाँ घबरा गए थे उन लोगों को देखकर, तो उनसे ख़ता होने वाली थी, दाऊद अलैहिस्सलाम से एक गलती होने वाली थी। खौफ की वजह से फ़ौरन मुतनब्बे हो गए, अलर्ट हो गए फ़ौरन इस खौफ की वजह से, ओ आई वॉज अबाउट टू मेक अ मिस्टेक। जैसे कुरान में आता है वज़न्ना दाऊद अन्नमा फ़तन्ना हो, तो समझ गए दाऊद अलैहिस्सलाम कि हमने फितने में डाल दिया उनको। फ़स्तग़फ़रा रब्बहु, तो अपने रब से तौबा करी, इस्तग़फ़ार की, वख़र्रा राकिअन व अनाब, और गिर गए रुकू करते हुए और अनाबत इख्तियार कर ली। ये है अल्लाह ताला अल मोमिन की हिकमतें जब वो हमें किसी परेशानी में मुब्तला करे। तो जब कोई परेशानी आए सबसे पहले अपना जायजा लें। हम तो फौरन ब्लेम गेम पर उतर आते हैं ना, उसका कसूर उसका कसूर, ये हमारा अमन और डिस्टर्ब करता है। ब्लेम गेम खेलना, हमारी ज़बान से कोई सलामत नहीं रहता। और याद रखें कि ज़बान ना बड़ी दो धारी तलवार है, दूसरों को बुरा भला कहने वाला खुद इंतहाई अजियत का शिकार रहता है। रहने दें, दूसरों का मामला अल मोमिन के हवाले करें। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हमने अल मोमिन की तरफ जो है अल्लाह ताला के बारे में बात करी, कैसे अमन देता है, कैसे तस्दीक करता है। अब अल मोमिन पर ईमान लाने वाला बंदा जो मोमिन होता है उसकी क्या सिफात होती हैं? वो अल मुसद्दिक होता है, अल मुनफ्फिज़ होता है। मुसद्दिक ईमान का तकाजा खुद अमल से तस्दीक करे, कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे नाफिज करे। नफाज़ हम कहते हैं, नफाज़े शरीयत तो बहुत सुना हुआ है हमने,
نفاذ شریعت نفاذ شریعت. تو اپنی زندگی میں نافذ کرے نا شریعت کو اندر اور باہر. تو ہم بعض دفعہ اوپر سے تو نافذ کر لیتے ہیں, تو دل کے اوپر کیوں نہیں نافذ ہو رہا, ذہن کے اوپر کیوں نہیں اسلام نافذ ہو رہا؟ ایمان آنا چاہیے اندر اور ایمان سے امن آ جائے گا. تو ایمان تصدیق اور تطبیق. تصدیق کیا؟ زبان سے کہنا, تطبیق امپلیمنٹ کرنا, نافذ کرنا اس کو. اور مومن شک سے امن میں ہوتا ہے. اللہ نے مومن کی پہچان بتائی, انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, پھر کبھی شک میں نہیں پڑے, نیور. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کا وجود نہیں, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں, تو کبھی شک میں نہیں پڑتے. تو بات یہ ہے کہ جس کو شک نہیں ہوگا تو پھر اس کے ایمان کے اندر ڈائنامزم ہوگا, سٹیٹک نہیں ہوگا, وہ عمل کے راستے پہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. پھر مومن امن فراہم کرتا ہے, اس امن کے لیے اپنے حقوق چھوڑنے پڑ جائیں چھوڑ دیتا ہے. تو مومن تخریب کار کیسے ہو سکتا ہے, ڈسٹرکٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پیراڈاکس ہے. ترمذی میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا فحش ولا بدی. مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. یہ عہد کریں اللہ سے, میں طنز نہیں کروں گی, میں تانا نہیں دوں گی. خاموش ہو جائیں, رہنے دیں. اللہ کے آگے مظلوم بن کر جانا بہتر ہے بجائے کہ ہم ظالم بن کر جائیں. بعض دفعہ ظلم تو ایک ہی ہوتا ہے, اس کا ذکر ہم اتنی دفعہ کرتے ہیں, مظلوم اتنی دفعہ ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ کیا ظالم قرار پا جاتا ہے. اور ظالم کا ظلم تو ایک دفعہ ہوا تھا, اور اس کی غیبت, اس کی برائی, اس کے تانے اور طنز وہ کہیں زیادہ تعداد میں بڑھ گئے. تو مومن, لیس المومن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بدی, نہ تانے دیتا ہے نہ لعنت ملامت کرتا ہے. بد دعا نہیں دیں, بد دعا دے دی تو بدلہ لے لیا, پر اللہ کے آگے تو کوئی اجر ہی نہیں. ولا فاحش, فحش باتیں نہیں کرتا, اور نہ زبان دراز ہوتا ہے. پھر امین بھی ہوتا ہے, اور امن میں پڑوسی کو بھی امن میں رکھتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مومن نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. جب پوچھا گیا کون, فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے, ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. تو دیکھیے, تو ہم پڑوسی کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں. تو ساتھ والے کمرے میں کوئی رہ رہا ہے, والدین ہیں یا ساس سسر ہیں, ان کو اذیت پہنچانا جائز ہے؟ یا گھر میں نوکر چاکر ہیں, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ الزام تراشی جائز ہے؟ بتائیں نا. تو پھر ہم کیسے مومن ہوئے, ہم کیسے مومن ہوئے مجھے بتائیں. تو اپنی زبان کے بارے میں بہت محتاط. پھر امین ہوتا ہے. ایمان اور امانت یہ تو ساتھی ہیں. کتنی ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص میں کچھ بھی ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں. تو خالق مخلوق دونوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں. مومن آل فرعون نے کیسے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ اب میں معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. فرشتوں کے سردار ہیں جبریل, ان کا لقب ہی ہے امین. انسانوں کے سردار, انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا لقب ہے امین. تو جو المومن سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ صفت امانت بڑھا لے اپنے اندر. ہر راز امانت ہے. ہم کیا کہتے ہیں, صرف تم سے کہہ رہی ہوں, تم کسی سے نہیں کہنا. ہم آگے اپنے میاں کو بتاتے ہیں, صرف آپ سے کہہ رہی ہوں, کسی کو نہیں بتائیے گا. پھر وہ آگے کسی کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے کسی کو بتایا, اس نے آگے کسی کو بتایا, اس نے آگے بتایا, اور بس وہ ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی. امانت کا مطلب ہے جس سیل یور لپس, زپ کر لیں. کسی سے نہیں کا مطلب ہے کسی سے نہیں. پھر ہم خفا ہوتے ہیں, صرف تم سے کہا تھا, تم نے کیوں کسی کو بتا دیا؟ بھائی آپ ہی نے تو شروع کی یہ ساری چین. مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں خاندانوں میں غلط فہمیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں, جب ہم ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ سمپل بات ہی کیوں نہ ہو. آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی بہن نے آپ سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ مجلس میں بات ہوئی ہے نا. اب اس نے یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس امانت ہے یہ بات. آپ دنیا کو جا کے نہیں بتا سکتی کہ وہ بیمار ہے, بیمار ہے, بیمار ہے. کیا پتا کتنی غلط فہمیاں جنم لے لیں. کسی کو آپ نے بتایا, اس نے کہا اچھا بیمار ہے, مجھ کو تو نہیں بتایا اس نے کہ وہ بیمار ہے. اب دیکھا نا آپ نے, انہوں نے ان کو فون کیا,
तुम बीमार हो, तुमने मुझको नहीं बताया तुम बीमार हो, उसने आपको फोन किया कि आपने क्यों बताया कि मैं बीमार हूँ। तो मैं को बहुत सिंपल मिसाल बता रही हूँ, जहाँ जो बात हुई है उसको वहीं छोड़ दें, उसको कोर्ट आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं फलां के यहाँ गई थी, उसने ये कहा मैंने ये कहा, उसने ये कहा मैंने ये कहा। वो बात जो है वो बहुत बिगड़ेगी, फिर हम खुद रोना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं लोगों को देखो ज़रा छोटी छोटी बातों में गलत फहमियाँ हो जाती, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था भाई, कहने के तो मसले हैं सारे, और किसके मसले हैं। और मोमिन ज़ालिम नहीं होता, हदीस कुदसी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमको कि अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रम तो जुल्मा अला नफसी, मैंने जुल्म को हराम कर लिया है अपने ऊपर, वह जाल तो बैना को मुहर्रमन, और तुम्हारे दरमियान भी इसको मैंने हराम किया है, फला तज़ालमू, देखो आपस में जुल्म नहीं करना। और हम क्या जुल्म करते हैं ये खुद हम बेहतर जानते हैं। तो क़्यामत के दिन जुल्म अंधेरे बनेंगे, और अलमोमिन की क्या सिफात होनी चाहिए वो आपको सूरत अलमोमिनों के शुरू में सब मिल जाएंगी। इरादा था कि आपको वो पढ़ के सुनाई जाए, लेकिन टाइम इस वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। सिर्फ इतना बता दूं कि जब अल्लाह ताला अलमोमिनून की बात फरमाता है तो उसमें सबसे पहले नमाज का जिक्र है, खुशू के साथ नमाज, खुशू के साथ, इससे रूहानी अमन नसीब होगा, लख से एराज करते हैं अखलाकी अमन मिलेगा, जक़ात देते रहते हैं दूसरों को अमन देने वाले बनेंगे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं तो दुनिया को अमन की जगह बनाएंगे। हमको पता है ना कि फहाशी से कितना ज़्यादा जुल्म है जो कि दुनिया में पैदा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने बहुत सी सिफात वहाँ पर बताई हमें कि अमानतों की हिफाजत करते हैं, अपने अहद की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया कि उलैक हुमुल वारिसून, यही तो वारिस हैं, अल्लज़ीन यरिसून अल-फिरदौस, जो फिरदौस के वारिस बनेंगे, हुम फीहा खालिदून, और वहाँ हमेशा रहेंगे। और क्या होगा, ला यस्मऊना फीहा लगवन वला तातीमा, ना लग फजूल बातें सुनेंगे ना गुनाह की, इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, मगर ये कि सलामती और सलामती ही की बातें सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दारुस्सलाम में जमा कर दे, अल्लाह हम सबको मुस्लिम बनाए, अल्लाह हम सबको मोमिन बनाए। तो ये वज़ाइफ़ हैं दरअसल, अस्सलाम का नाम ये तकाजा करता है, अलमोमिन का नाम ये तकाजा करता है, ये नहीं कि तावीज़ बना लो, इतनी दफ़ा विर्द कर लो, ये वजीफे नहीं होते, ये हैं इन नामों के वजीफे जो कि हमें कुरान और हदीस से मिलते हैं। अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वलमुस्लिमात।